जब हमने इस चैनल को शुरू किया तो मैंने कहा इसके पास 112 सब्सक्राइबर्स थे इनके रियल स्टेट के चैनल के ऊपर, और ये चैनल काफ़ी सालों से चल रहा था जब मैंने इसको लिया था। तो अब मैंने इनके चैनल को ग्रो करने के लिए क्या साइंस इस्तेमाल की, एक तो ऑप्टिमाइजेशन, ये तो सबको पता है कि ऑप्टिमाइजेशन की होगी, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये भी नहीं है कि आप एक मिनट में ही मूव करके ऊपर आ जाएंगे और बाकी के सारे लोग नीचे चले जाएंगे, ठीक है। उसमें आपने भी देखा कि मैंने अभी आपको एनालिसिस दिखाया कि दो एनालिसिस हमें दिखे, एक एनालिसिस में रिकमेंडेशन आ रही थी और एक एनालिसिस में सर्च आ रहा है कि भाई सर्चिंग से आपको 24% लोगों ने देखा है, ठीक है, और 54% ने आपको रिकमेंडेशन में देखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिलायबिलिटी बनाई YouTube के ऊपर कि भाई यहाँ पर जो वीडियोज लग रही है लोगों को दिखानी चाहिए, और यूनिक कंटेंट आता है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है। लेकिन अगर हम सिर्फ यूँ करते रहें, मेरे पास चैनल में सब्सक्राइबर्स ही ना हो और मैं इसी साइंस के ऊपर काम करूँ, जी जी आ जाए। उसके बाद मैंने क्या साइंस लड़ाई थी इनके चैनल को ग्रो करने के लिए, मैंने बिल्कुल वही काम किया था जो मैं अभी आपको कह रहा था कि हमें नहीं करना चाहिए। क्या किया था कि एक टूल है उसकी मदद से मैंने सब्सक्राइबर्स लेने शुरू किया, मतलब ये उसका एक पार्ट था, ऐसे नहीं है कि उसको टोटल उस पर हम नहीं चल रहे थे। हमने उसमें मुझे डेली कोई, आप समझ लो कि मैं अगर किसी को 20 सब्सक्राइबर देता था तो इतने मुझे भी मिल जाते थे। उसके बाद क्या होता था, उसके बाद ये होता था कि उन 20 सब्सक्राइबर में से शायद 10 वापस चले जाते थे और 10 आ जाते थे। अब ये 10 लोग कौन थे, ये 10 लोग वो नहीं थे जो इसकी रिक्वायरमेंट थी, ठीक है ना, मतलब वो लोग रियल स्टेट को देखने वाले लोग नहीं थे, वो तो जनरल से सब्सक्राइबर्स थे। तो जब मैंने ये काम शुरू किया तो लाजमी बात है जिसकी ऑनरशिप में चैनल था उन्होंने मुझे कहा कि सही आप क्या कह रहे हैं, ये फॉरेनर है, कोई कनाडा से आ रहा है, कोई किसी ट्रस्ट का है, मेरे से तो इनका कोई लेना देना नहीं है, ये क्यों सब्सक्राइब्स करवा रहे हैं, ठीक है। उस पर मैंने उनको फिर ये बताया, मैंने कहा कि ये अभी हमारा सब्सक्राइब कराना ज़रूरी है इसलिए कि आपका जो रियल स्टेट का बंदा है उसको हमने आपका सब्सक्राइबर दिखाना है, सब्सक्राइबर काउंट दिखाना है, आपका सब्सक्राइबर काउंट भी होना चाहिए। हम कह रहे हैं ऑप्टिमाइजेशन, उधर से हमें लगा सब्सक्राइबर मिल रहा है, वो हमारा सब्सक्राइबर है, लेकिन इस तरह करने से क्या हो रहा है कि आज कोई मेरे चैनल पर आता है उसके सब्सक्राइबर इतने नज़र आते हैं, हफ्ते के बाद आता है तो तादाद बढ़ जाती है, वो तो सिर्फ सब्सक्राइबर्स को ही देख रहा है ना, वो ये तो नहीं देखता जाकर के भाई इसके सब्सक्राइबर्स कौन हैं, किस तरह के लोग हैं, उसके सब्सक्राइबर चाहिए। तो हमने शुरू में इस तरह का काम रखा, ये एक साइंस थी सब्सक्राइबर लेने की। एक साइंस और होती है, एक सॉफ्टवेयर होता है उसके थ्रू लेते हैं, वो हफ्ते के अंदर ही आपको मेरा ख्याल है कि 3,000, 4,000, 5,000 सब्सक्राइबर मिल जाता है, वो वाला साइंस हम यूज़ नहीं कर रहे थे, ठीक है। हमने कहा था कि सब्सक्राइबर ज़रूर लेना है, बाय करना है, मगर स्लो स्लो सेंस में कि भाई रोज़ाना के, मुझे पता था कि मैं 20 सब्सक्राइबर बाय नहीं करता था, फ्री लेता था, ठीक है, मतलब बाय भी होता है लेकिन हम लोग बाय वाली स्कीम नहीं लेते थे, हम लोग 20 सब्सक्राइबर देकर 20 सब्सक्राइबर लेते होते थे। तो इसका मतलब क्या होता था कि बाटर सिस्टम होता था, वो एक सॉफ्टवेयर है उसकी मदद से आप इस तरीके से कर सकते हैं। वो 20 सब्सक्राइबर के ये भी मुझे पता होता था कि इसमें से 8-10 बच रहे हैं, और हम ये काम करते रहे काफ़ी देर तक करते रहे, जब मैं इनके और इनका अपना नेचुरल सब्सक्राइबर भी आता रहा, वो वाला सब्सक्राइबर भी आता रहा, फिर एक लेवल आया, फिर मालिक को भी ये बात समझ में आ गई जिनका चैनल था, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही मैंने 1,000 सब्सक्राइबर को टच किया फिर मैंने ये वाला सब्सक्राइबर लेना छोड़ दिया। मैंने कहा 1,000 सब्सक्राइबर्स इनफ, कि किसी को अगर 1,000 सब्सक्राइबर्स नज़र आ रहे हो, और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जैसे हम चैनल को मेंशन कर रहे होते हैं, बहुत सारे ऐसे काम है जिसमें सब्सक्राइबर्स आपके 500 प्लस होने चाहिए, उसके बगैर आप वो वाली फैसिलिटीज़ यूट्यूब से ले नहीं सकते। तो 1,000 के बाद मैंने उनके ये वाला काम कराना उनसे छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे खुद कहा कि अब वो सब्सक्राइबर क्यों नहीं आ रहे, सो मैंने फिर उनको कहा, पहले उन्होंने मुझे कहा कि क्यों आ रहे हैं, तो मैंने कहा था हमारे लिए ज़रूरी है। 1,000 के बाद मैंने उन्हें छोड़ दिया खुद से इस चैनल के लिए, मैंने कहा अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, अब हमें नेचुरल की ज़रूरत है। तो 1,000 सब्सक्राइबर के बाद ये जो पाकिस्तान प्रॉपर्टीज़ का चैनल है इसके पास जितने भी सब्सक्राइबर्स आए ये सारे के सारे सब्सक्राइबर जो थे नेचुरल थे। नेचुरल का क्या मतलब है कि इनकी वीडियो से आए, यानी कि 1,000 सब्सक्राइबर में भी समझ लो कि 900 थे जो हमने लिए, उसमें से डेली बेसिस के ऊपर हम लोग तकरीबन आफ्टर 24 आवर्स या 48 आवर्स में ये सब्सक्राइबर्स हमें मिलते होते थे, ठीक है, क्योंकि नेचुरल होते थे तो ये इतनी देर के बाद मैं दोबारा बाय कर सकता था, यानी कि ले सकता था, इससे पहले हम ले नहीं सकते थे।
तो उसके बाद जब 1000 हुए तो हमने इनको लेना छोड़ दिया और फिर हमने टोटल नेचुरल पे काम करना शुरू कर दिया। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो इसके सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं ये नेचुरल हैं। इसी तरह अगर आप स्टार्स अकेडमी को देखोगे उसके भी जितने सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं वो नेचुरल हैं, इसलिए कि हम उसके ऊपर कॉन्टेंट ऐसा लगाते हैं जो स्टूडेंट देखना चाहते हैं। मतलब एम डी कैट प्रिपरेशन के MCQs लगाते हैं, एम डी कैट प्रिपरेशन के लेक्चर्स लगाते हैं, और ये ऐसा कॉन्टेंट है जो कि बहुत ज़्यादा फ्री नहीं मिलता आपको, ठीक है। सो लोग देखना चाहते हैं तो इसकी वजह से वो चैनल ग्रो हो रहा है। और उनका मैंने आपको प्रीवियस लेसन में दिखाया भी था कि उसके तकरीबन 3,000-3,500 डेली व्यूअरशिप है। अभी वो एजुकेशनल न्यूज़ नहीं लगाते, अगर वो एजुकेशनल न्यूज़ भी लगा लें अपने चैनल के ऊपर, इसी तरह ये रियल स्टेट वाला अगर रियल स्टेट एक अपना सेगमेंट सिर्फ ये रख ले रियल स्टेट न्यूज़ का, सिर्फ एक सेगमेंट रखे ये, क्योंकि रोज़ाना कोई ना कोई खबर तो बनती है रियल स्टेट में, ठीक है। सो अगर वो एक सेगमेंट ये रखे कि जनाब रियल स्टेट न्यूज़ लेकर आया हूँ मैं आपके साथ दूँ खड़े होकर, बेशक 5 मिनट में वो रियल स्टेट न्यूज़ दे, उसका एक अपडेटेड सा थंबनेल बने, इससे उसका वॉच टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। इसी तरह जो एजुकेशनल चैनल है वो अगर एजुकेशनल न्यूज़ का भी एक दिन में एक सेगमेंट रखे कि जनाब ये हो रहा है, देखें एजुकेशनल न्यूज़ कितनी है पूरे पाकिस्तान में, बोर्ड ही बोर्ड है पूरे पाकिस्तान में, यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरे पाकिस्तान में, चार्टर यूनिवर्सिटियों की तादाद इतनी ज़्यादा है। सो एजुकेशनल न्यूज़ तो बहुत सारी बन सकती हैं, तो कोई भी बंदा अपने चैनल पर लगा सकता है, लेकिन वो एजुकेशनल न्यूज़ एजुकेशनल चैनल पर लगेंगी, रियल स्टेट के चैनल पर नहीं लगेंगी। रियल स्टेट की न्यूज़ हैं वो रियल स्टेट के चैनल पर लगेंगी, एजुकेशनल चैनल पर नहीं लगेंगी। सो आपने जब अपने चैनल को ग्रो करना है तो डिसअपॉइंट भी नहीं होना कि दो दिन में आप समझें कि बस ये दो दिन में ही सब कुछ हो जाना है, नहीं, आपने इसको चलाना है और उसके बाद चलेगा तो ये आगे बढ़ेगा सीक्वेंस आगे। कोई भी बंदा कंप्यूटर कॉलेज खोलता है, पीक सॉल्यूशन कॉलेज खुला हुआ है, तो ऐसे तो नहीं है कि जिस दिन ये पहले दिन ही खुला होगा तो ऐसे रश लग गया होगा इसके अंदर, आहिस्ता आहिस्ता लगा होगा, आहिस्ता आहिस्ता कंटेंट देनी होगी। अब क्या हालात हैं कि अब जैसे ही कोई एग्जाम खत्म होते हैं तो रश लग जाता है अचानक, सबको पता लग जाता है कि जहाँ कुछ भी करना होगा तो पीक सॉल्यूशन में चले जाएँ, यहाँ से आपको हर चीज़ मिल जाएगी। तो इन्होंने अपनी पहले अपनी गुडविल बनाई है ना, इसी तरह आपके चैनल की भी ऑनलाइन पहले गुडविल बननी है, ठीक है। अब आएंगे इधर ज़रा, सेटिंग्स में आए, मैं एक चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, चैनल की सेटिंग्स में आ रहा हूँ मैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा जो चैनल है, ठीक है, जैसे मैं अभी आपको कह भी रहा था कि मैं खुद से कुछ करता भी नहीं हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो अपलोड की है, रिकॉर्ड किया है, तो जाकर रात को बड़ी मेहनत बड़ा टाइम निकालना पड़ता है इसके लिए कि भाई इसको मैं अपलोड करना है मैंने आप लोगों के लिए, ठीक है, अपलोड करता हूँ और छोड़ देता हूँ, इसके ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं करता। और अगर चैनल पर देखोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, जब मैं आपको SEO दिखाऊंगा रियल स्टेट प्रॉपर्टी वाले चैनल की तो आप देखेंगे कि वहाँ बहुत कुछ हुआ हुआ है, लेकिन जब हम इस पर आकर देखेंगे तो इस पर तो मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लगा रहा हूँ, ठीक है, इसका और कोई मेरे लिए कंसर्न नहीं है, ओके। अब इधर आए परमिशंस पे, कहाँ आया हूँ मैं, सेटिंग्स में आया हूँ, पहले चैनल में YouTube स्टूडियो में गया हूँ, हाँ, चैनल से YouTube स्टूडियो में गया हूँ और YouTube स्टूडियो से मैं आया हूँ परमिशन में। मैं करने क्या जा रहा हूँ, मैं करने ये जा रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि भाई कोई बंदा मेरी मदद करे और मैं जो चैनल पे वीडियोस लगाऊँ तो वो ऑप्टिमाइजेशन में मुझे हेल्प आउट करे। तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं उसको कुछ परमिशन दूंगा, उसको कुछ राइट्स दूंगा कि वो भी मेरे चैनल को एक्सेस कर ले, ताकि वो मेरे चैनल पर आए तो मैं उसे अगर सिखा दूँ टाइटल बनाना, मैं उसे बता दूँ डिस्क्रिप्शन लिखनी, मैं उसे बता दूँ थंबनेल बनाना, मैं उसे बता दूँ टैग्स लगाना, वीडियो अपलोड करने का पूरा प्रोसीजर बता दूँ, किस टाइमिंग पे ज़्यादा अच्छी बात है उसे बता दूँ कि यार भाई ये 3 बजे के बाद कर लिया करो वीडियोस अपलोड, तो ये अच्छा टाइम होता है, इस टाइम पे लोग देख रहे होते हैं रात तक। तो मतलब ये सारी चीज़ें कहूँ और उसे कहूँ कि तुमने मेरा चैनल चलाना, तो मैंने उसको अपने चैनल का यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं दिया, बल्कि मैंने उसके यूज़र नेम और पासवर्ड पे अपने चैनल का एक्सेस दे दिया उसको। अब वो अपने ही यूज़र नेम और पासवर्ड से मेरा चैनल खोलेगा विद लिमिटेड एक्सेस, यानी जो मैं उसे करने को अलाउ करूँगा वो सिर्फ वही काम कर सकता है, लेकिन वो वाले काम कर सकेगा मेरे चैनल पे, ठीक है, पता लग गया ना क्या करने जा रहे हैं जी। यहाँ से आ गए हम परमिशन में, सो परमिशन में देखें ऑलरेडी यहाँ पर 2 यूज़र आ रहे हैं, ठीक है, एक तो खुद से आ रहा है जिसपे ऑनर लिखा हुआ है, एक यूजर और आ रहा है जिसपे मैनेजर लिखा हुआ है, और वो कौन सा है जी, नजीब सॉल्यूशन सेल्स 2। अब मैं एक और यूजर को इसमें लाना चाह रहा हूं, तो मैं कहता हूं इनवाइट, और यहां आकर मैं यूजर का ईमेल दे देता हूं कि जिसको मैं इनवाइट करना चाहता हूं, मिसाल के तौर पर
लो जी ये मैंने लिख दिया। क्या लिखा मैंने यहाँ पर, यानी मैंने किसी बंदे को अपने YouTube चैनल का एक्सेस देना है, तो मैं कैसे दे रहा हूँ उसको एक्सेस, मैं सेटिंग में जाके परमिशन में जाके उसका ईमेल देने लगा हूँ और उसको ये इंटीमेशन इस ईमेल पर आएगी कि आपको ये एक्सेस मिल गया है इस चैनल का, ठीक है आप इसे एक्सेप्ट कर लें, जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके पास मेरे चैनल का यूट्यूब स्टूडियो खुल जाएगा। समझ आ गई है बात? नहीं जी, मैंने यहाँ पर ईमेल दिया, नीचे एक्सेस लेवल्स आ गए जी। मैं जिन लोगों का काम करता हूँ या तो मेरे पास उनका यूजर नेम पासवर्ड होता है या मैं उनका मैनेजर बना होता हूँ, ठीक है। मैनेजर में क्या लिखा हुआ है, कैन व्यू एवरीथिंग, मैनेज परमिशंस, गो लाइव एंड क्रिएट, एडिट एंड डिलीट कॉन्टेंट, यानी कि ये मुख्तलिफ किस्म के एक्सेस हैं। ये एडिटर है, ये ही के काम कर सकता है, इसको आप लोगों ने खुद से पढ़ लेना है किस किस के पास, ये व्यूअर है, ये सब इधर आकर देख सकता है, ठीक है। क्या कर सकता है जी, कैन व्यू एवरीथिंग, कैन नॉट क्रिएट, एडिट और डिलीट, यानी कि कर वो सबको देख सब कुछ सकता है, यानी कि एनालिसिस भी देख सकेगा वो अगर मैं किसी को ये राइट दूंगा, लेकिन वो कुछ क्रिएटिव काम नहीं कर सकता, कुछ डिलीट नहीं कर सकता, कुछ अपलोड नहीं कर सकता, सिर्फ देख सकता है, ठीक है। सो अभी हमने कह दिया ये मैनेजर बना दो, और उसके बाद क्या किया हमने, डन, पेंडिंग इनविटेशन, और ये क्या लिखा है, सेव। अब क्या कहता है जी, क्या कह रहा है वो आपको, कहता है वेरीफाई इट्स यू, ऐसे तो नहीं है कि मालिक उठकर बाहर गया हुआ है, कोई दूसरा बंदा आया और उसने ये काम करना शुरू कर दिया, तो वो वेरीफाई करेगा इस प्रोसेस को, पासवर्ड पूछा है मुझसे, शायद यही पासवर्ड है, मैं खुद भी भूला होता हूँ, लिखा होता है मैंने, उधर से मैं देखूंगा तो फिर पता लगेगा, ठीक है। छोड़ दें यहीं पे, टाइम सेव कर लें ताकि ऐसे ही इसमें टाइम ना लगे मेरा, हाँ। बस इसने इसको प्रोसीड करना है, और उसके बाद मैंने जो ईमेल दिया, जिसकी भी वो ईमेल है, वो अपना ईमेल अकाउंट खोलेगा तो उसको एक ईमेल आएगा, ठीक है ना, उस ईमेल पे उसको मैसेज आया होगा कि जनाब आपको कोई दूसरा बंदा अपने चैनल पर इनवाइट कर रहा है काम करने के लिए, तो आप इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करें। आप जैसे ही इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करेंगे तो यूट्यूब चैनल खुल जाएगा आपके अकाउंट से, खुलेगा आपके अकाउंट से, लेकिन खुलेगा मेरे वाला चैनल, यानी अकाउंट आपका है, आप जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करोगे तो यूट्यूब स्टूडियो मेरा होगा, ये डीप्स वाला यूट्यूब स्टूडियो, ठीक है। इसको हम अगले कल के लेक्चर में देखेंगे कि कोई बंदा अगर इस तरह का काम करना चाहता होगा, कोई एक आधा बंदा, तो हम उसको इस पर ले लेंगे, ठीक है। इस चैनल का एक्सेस मैं उसको दे दूंगा ताकि वो अगर इस पर काम करना चाहता हो, खासतौर पर जो हमारी अपनी वीडियोज़ हैं, अगस्त वाली वीडियोज़ हैं, उसके थंबनेल बनाना चाहता हो, टाइटल बनाना चाहता हो, डिस्क्रिप्शन करना चाहता हो, तो बहुत सारी वीडियोज़ हैं ऑलरेडी लगी भी हुई हैं और आगे भी लग रही हैं, तो उनके ऊपर कर सकते हैं, इसको हम कल देखेंगे कैसे करना है ये। चलिए ये हो गया, यानी कि ये एक अहम बात आपको मैंने बताई।